everyone, good morning and welcome back to my YouTube channel. My name is Shweta and I am here again with another new video. तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बात करूँगी एसेंचर के बारे में. एसेंचर की जो सैलरी स्ट्रक्चर है आफ्टर थ्री ईयर तक जितनी होगी उन सब के बारे में. एंड इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल प्लीज़ टू सब्सक्राइब. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो सपोज आपने एसेंचर ज्वाइन किया एंड वो जो आपको स्टार्टिंग में जो CTC देती है वो 4.5 की होती है. उसमें उनका वेरिएबल पे इंक्लूड होता है, जॉइनिंग बोनस, ट्रेनिंग बोनस, सब कुछ इंक्लूड होता है. उसके बाद जो आपको बेसिक पे मिलता है वो आपको 3.75 के अराउंड मिलेगा समथिंग. तो आपने एसेंचर ज्वाइन कर लिया तो जो फर्स्ट मंथ में आपकी जो इनहैंड सैलरी होती है ना वो आपको 28K के अराउंड मिलेगा. एंड आपको अलग से ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा वो 25K के अराउंड होगा. एंड ट्रेनिंग होती है, किसी भी कंपनी आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक डोमेन पे ट्रेनिंग देगी. एंड ट्रेनिंग 2 महीना 3 महीना कितने का भी हो सकता है, या आपको डोमेन पे डिपेंड करता है आपको कौन सा डोमेन मिला है, जावा .NET वगैरह, तो वो उस पर डिपेंड करता है. तो आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली तो फिर से आपको एक अलग से 10,000 का बोनस मिलेगा. ओके, एंड उसके बाद आफ्टर 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद एक इंक्रीमेंट होता है, ईयरली इंक्रीमेंट होता है. ये आपके मैनेजर पे डिपेंड करता है, आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है. ओके, तो नॉर्मली तो लोगों को 8 to 10 के बीच में मिल ही जाता है, बट अगर आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही तो आपको इससे ज़्यादा भी मिल सकता है. ओके, एंड एक और चीज़ एसेंचर में, आफ्टर 20 अगर आपने 21 मंथ तक काम कर लिया, जो इनका प्रोविजन पीरियड होता है, तो उसके बाद आपका डेजिग्नेशन चेंज होता है, एसोसिएट से एनालिस्ट हो जाता है. तो जब जब आपका डेजिग्नेशन चेंज होगा आपको इंक्रीमेंट मिलता है. ये इंक्रीमेंट आपके मैनेजर पे या उस पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिफ़ॉल्ट होता है. जैसे कंपनी का ग्रोथ होगा आपको उस हिसाब से मिलेगा, अच्छा खासा मिल जाता है. ओके, एंड ये सब कुछ भी आपके CTCs में ऐड होगा. एंड पता नहीं एसेंचर ऐसे क्यों करती है, उनकी पॉलिसी है, सारा कुछ वो अपने CTC में कंसीडर करती हैं. ओके, सो आफ्टर 21 मंथ जो आपकी सैलरी हो जाती है वो 33K अराउंड हो जाती है. एंड उसके बाद आपका ईयरली इंक्रीमेंट होता है 2 साल का, तो उसमें भी आपको हाइक मिलता है. तो उसके बाद आपको जो सैलरी हो जाएगी नॉर्मली 8 to 10% मिलता है, तो हम उसी को कंसिडर करते हैं. तो आपकी जो इनहैंड सैलरी होगी वो 45K के अराउंड हो जाएगी. एंड आपको हर साल वेरिएबल पे भी मिलते हैं. एंड जो आपको वेरिएबल पे होता है वो आपको नवंबर, मई, जून, इस टाइम इन क्वार्टर पे डिपेंड करता है. तो सपोज आपने नवंबर में रिलीज़ कर दिया तो आपको दिसंबर तक मिल जाएगा. एंड एसेंचर में एक और चीज़ है, सपोज़ आप शिफ्ट में काम कर रहे हो मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट, तो मॉर्निंग शिफ्ट को कोई अलाउंस नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं. नॉर्मली जो उनकी सैलरी है कि वही उन्हें मिलेगा. एंड आफ्टरनून वाले को 200 मिलता है एंड नाइट वाले को 400 मिलता है. एंड आफ्टर 3rd ईयर कंप्लीट होने के बाद जो आपको इंक्रीमेंट होगी उसके बाद जो आपकी सैलरी हो जाएगी वो 50K अराउंड हो जाएगी. तो एसेंचर में काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट है. एंड बाकी कंपनीज के अकॉर्डिंग TCS, विप्रो, इन्फोसिस वगैरह से इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ एंड इसमें काफ़ी अच्छी इंक्रीमेंट देती है. सो इस वीडियो में इतना ही. मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग.